आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों सो क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एलोमिन टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट ये एक ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो कन्वर्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ एलोमिनस को इलेक्ट्रिक करंट में ओके okay, तो वो डिवाइस कौन सा है जो कन्वर्ट करता है तो दैट डिवाइस नेम इज फोटो डायोड ओके तो दैट डिवाइस नेम इज फोटो डायोड दैट डिवाइस नेम इज डिवाइस नेम इज फ़ोटो डायोड ओके तो ये कैसे कन्वर्ट करता है हमें कैसे पता कैसे पता चला कि ये फोटोडायोड है क्योंकि इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस कि अगर हमने इल्यूमिनेंस की इंटेंसिटी को चेंज किया तो करंट में चेंज आया यानी क्या होता है इसके अंदर जैसे ये जो फॉर्मूला है ना ये बेस्ड है ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके सो चेंज इन इंटेंसिटी चेंज इन intensity intensity of illuminance अगर हम illumination की intensity को change करते हैं तो ये जो formula है ये जो impact है ये हमें किसमें देखने को मिलता है that is change in that is change in by photoelectric effect by photo electric effect ये किसकी वजह से होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या होता है जैसे कोई सरफेस है सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है जैसे कोई कंडक्टर है इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इजेक्ट हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी और इसकी आपने इक्वेशन भी पढ़ी होगी क्या होती है जैसे एच न्यू इज इक्वल टू तो फाइव नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स ओके okay, यानी ये जो फाइनोट है ये क्या है जो इसको वागड़न करने में हेल्प करता है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जिस जिसे बाहर निकलता है जिस काइनेटिक एनर्जी से दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी अगर एच न्यू इंटेंसिटी की लाइट हमने इसमें ट्रांसफर की तो वो एक काइनेटिक एनर्जी से मूव करती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं इसके बाहर उसके बाद क्या होता है जैसे आईवी वी करैक्टर स्कीच हमें ड्रॉ करनी है इसकी तो वो डिवाइस कौन सा है फोटो डायोड अब इस डिवाइस की आईवी वी करैक्टर स्कीच के लिए हम क्या करेंगे जैसे हमारे पास इसमें मेनली क्या होता है जैसे हमने एक पी जंक्शन डायोड यूज किया इसमें हम क्या करते हैं पी जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं ये जो है ये पोर्शन है जंक्शन का ओके okay, तो जंक्शन पे जब भी हम बाहर से लाइट डालते हैं तो क्या होता है जैसे ये वाला है होल्स यानी पी टाइप और ये वाला है एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम क्या करते हैं पी को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव से एन को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव से और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट में और इस तरीके से हमारे पास हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये P ये N P को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव से N को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से तो ये हमारे पास बाइसिंग कौन सी है रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है सो दिस डिवाइस इज फोटो एंड वर्क इन रिवर्स बाइसिंग एंड द इनपुट आउटपुट करेक्टर स्केच ऑफ दिस डिवाइस इज देट दिस डिवाइस वर्क इन रिवर्स बाइसिंग सो वी कैन ड्रो इट्स इनपुट आउटपुट करेक्टर्स की चैच अलोंग वी आई कैसे ड्रो करेंगे जैसे हमारे पास इस लाइन के अलोंग है करंट और यहाँ पर है पोटेंशियल ओके okay. ओपर की तरफ क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और बैकवर्ड की तरफ और नीचे की तरफ जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज रिवर्स बाइसिंग तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को इनक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का ग्राफ आएगा ओके okay. तो इसमें जैसे ब्रेकडाउन की कंडीशन जो रिवर्स बायस में होती है वो थोड़ी कम हो जाती है तो इसमें हमारे पास जैसे I1 है I2 I3 और I के अलोंग और इस तरफ हमारे पास होगी V की वैल्यू तो ये हमारे पास आती है आई वी करैक्टर स्केच ऑफ दिस डिवाइस उसके बाद स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइस तो इस डिवाइस की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं इस डिवाइस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी इसको जैसे बागलर अलार्म में यूज किया जाता है बर्गलर अलार्म में जैसे आ, आ, अगर हम किसी लाइट को या किसी लेजर लाइट को क्रॉस कर जाते हैं तो तभी अलार्म बज बज जाता है और इससे पता चल जाता है ओके तो बर्गलर अलार्म में इसका मेनली यूज किया जाता है और सेकंड हमारे पास होता है स्मोक डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है स्मोक डिटेक्शन में जैसे जब लाइट पड़ेगी या फिर धुएँ वगैरह से तो वो डिटेक्ट कर लेता है और इसकी वजह से इसके अंदर यानी करंट के अंदर ऐसा वेरिएशन आता है जिससे स्मोक डिटेक्शन में हेल्प मिलती है तो परग्रेल अलार्म एंड स्मोक डिटेक्शन में ओके थैंक यू क्लासिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीड आईआईटी जेआई मेंज और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटवर्क या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर